हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 8 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और यहाँ पे है ट्रू एंड फॉल्स। आज के वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? आंसर हो जाएगा, आग को बुझाने के लिए साधारणतया जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है और आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहर के वातावरण से वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? इसका आंसर हो जाएगा, मोमबत्ती हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। जब यह जलता है तो कार्बन भी उत्पन्न होता है और जब इसी समय कांच की प्लेट ले जाई जाती है तो काला वलय बनता है, जो कि कार्बन की मौजूदगी को दर्शाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कार्बन के कारण ही कांच की प्लेट मोमबत्ती के ऊपर ले जाने पे उसमें काला वलय बनता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, अगर कभी कोई व्यक्ति दुर्घटना में आग की चपेट में आ जाए तो उसे कंबल में लपेटा जाता है, क्योंकि कंबल में लपेटने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और ज्वलन ताप भी कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। इसीलिए व्यक्ति को कंबल में लपेटा जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में आग लग जाती है तो उसको कंबल में लपेट के आग बुझाया जाता है। फोर्थ नंबर में है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? इसका आंसर होगा, जंगलों में अपने आप आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आकाश या बिजली गिरने से, पेड़ पौधे के आपसी रगड़ से, अधिक गर्मी बढ़ने से, या फिर उस जंगलों में आसपास कोई पटाखे वगैरह जलाता है तो उससे भी आग लग जाती है। जंगल में अपने आप आग लगने के ये सारे कारण हो सकते हैं। फाइव नंबर का क्वेश्चन है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? इसका आंसर देखिए, क्योंकि पानी की अपेक्षा पेट्रोल अधिक ज्वलनशील है, इसका प्रज्वलन ताप कपड़े और पानी की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल जो है बहुत जल्दी जल जाता है, जबकि पानी और कपड़ा इतनी जल्दी नहीं जल पाता, क्योंकि पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है वो कपड़े और पानी के मुकाबले कम होता है। इसीलिए जब पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़े को डुबाया गया तो कपड़ा नहीं जला, लेकिन उस पर लगा हुआ पेट्रोल जो है वो जल गया। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? हमारे घरों में जो माचिस की डिब्बियाँ उपयोग की जाती है उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है, डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियाँ डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। माचिस के तीली पर पोटेशियम क्लोरेट होता है और डिब्बी पर, माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस होता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पिछले पार्ट में बताई है। अगर आपको पिछले पार्ट वाला वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो माचिस की तीली पर पोटेशियम क्लोरेट और माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस होता है, इसीलिए जब हम माचिस की तीली को माचिस की डिब्बी पर रगड़ते हैं तब माचिस की तीली जल जाती है। सेवन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। ये मोमबत्ती है और ये है मोमबत्ती का लौ, ये है लौ का बाहरी भाग, ये है मध्य भाग और ये है आंतरिक भाग, और आंतरिक भाग में ही कार्बन होता है। ठीक है, आपने देखा हो कि जब मोमबत्ती जल जाती है या फिर जलती रहती है तो यहाँ पे आपने देखा हो कि काला काला कुछ आ जाता है, तो काला इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन मौजूद होता है।
घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि आपके घरों में किसी के घर में मिट्टी के चूल्हे यूज किए जाते हैं कि गैस चूल्हे यूज किए जाते हैं, अगर आपने देखा कि गैस खुला है तो उसको बंद कर दें, या फिर लकड़ी का चूल्हा है, अगर आग है उसमें, चूल्हे में आग है तो आप उसको बुझा दें। तो इस तरह का काम करके आग से होने वाली असावधानियों से बचा जा सकता है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए 9 नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ज्वलन ताप, ज्वलन ताप कहलाता है। डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि कमरे के ताप पर आग पकड़ता है? यहाँ पे हो जाएगा सफ़ेद फॉस्फोरस। सफ़ेद फॉस्फोरस ऐसा पदार्थ है जो कि कमरे के तापमान पर भी आग पकड़ लेता है, यानी कि आप उसको अगर ऐसे ही खुले में रख देंगे तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है मोम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा और कार्बन, ऊर्जा और कार्बन बनता है ईंधन के जलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, इसीलिए पेट्रोल केरोसिन से जल्दी जल जाता है। निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है। इसका हमने क्रियाकलाप पढ़ा था, उसमें क्या था, जब हम कागज़ के कटोरे में पानी डालकर मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो कागज़ जल जाता है, लेकिन जब हम कागज़ की कटोरे में पानी डालकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर रखते हैं तब कागज़ नहीं जलता है, क्योंकि उष्मा का संचरण जो है वो पानी में होने लगता है जिससे कागज़ जलने से बच जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कागज़ के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। लाल फॉस्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, नहीं ये वाला गलत है, क्योंकि सफ़ेद फॉस्फोरस ऐसा पदार्थ है जो कि कमरे के तापमान पर आग पकड़ता है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, हाँ ये वाला भी बिल्कुल सही होगा। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब तेल से आग लगती है तो उस पर हम जल दे के उसको नहीं बुझा सकते, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।